दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में। हमारे साथ शहर की जानी मानी मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर विद्युत जी खंडेवाले विश्व मानसिक दिवस पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में लगभग 50 करोड़ लोग, इन्हें किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या है। दुर्भाग्य से इनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उनको ये समस्या है, और इस दिन का उद्देश्य ये है कि लोगों में इस तरह की जागरूकता बढ़ाएं कि इस बीमारियां कौन सी होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, और किन लोगों से संपर्क किया जाए ताकि उससे निजात पा सकें। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटक है मनोरोग चिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट। मैम, बहुत दिलचस्प तरीके से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन हो रहा है। जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया है, तो निश्चित तौर में हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमें बीमारियाँ हों। जी बिल्कुल। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये इस तरह से है कि इनसे बचाव यानी प्रिवेंशन के तौर पर सामान्य व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। हाँ, मानसिक बीमारियों से अगर हम बचना चाहते हैं, मानसिक तंदुरुस्ती अगर हम रखना चाहते हैं, तो जीवन में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, अनुशासन बहुत आवश्यक है। नींद के बारे में, खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, हर चीज़ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आजकल स्पर्धा का युग है तो हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, और इसकी होड़ में, ये भागने की होड़ में कहीं ना कहीं नींद, हम देखते हैं कि बहुत लोग नींद से समझौता करते हैं, नींद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो 4 घंटा ही सोएंगे, 3 घंटा ही सोएंगे, रात भर जग के काम करते हैं, या बच्चे रात भर जग के पढ़ाई करते हैं। तो ये जो नींद, जो हम नींद को जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पर्याप्त नींद होना बेहद ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। 6 से 8 घंटे तक की नींद अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा डाइट, जो मैंने कहा, आहार जो है वो संतुलित आहार और हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है मन को प्रसन्न रखने के लिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उससे ना कि हम सिर्फ शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त रहते हैं, बल्कि मानसिक दृष्टि से भी उससे हम तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं ब्रेन में, एंडोर्फिन्स हम कहते हैं उसे, वो जो सिक्रेट होते हैं वो ब्रेन के जो रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं, मतलब जो ब्रेन के जो पार्ट है जिससे हमें खुशी मिलती है, उनको वो चेतना देते हैं। तो इसीलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों से मिलना जुलना, परिवार वालों से हंसी खुशी रहना, बातचीत करना, दोस्तों से रेगुलरली मिलना, दोस्तों के बीच वक्त गुजारना, ये भी एक तरह का हमारे मन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए टॉनिक की तरह एक्ट करता है, टॉनिक होता है। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायी किताबें पढ़ना, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, प्रेरणा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी मूवीज़ देखना, जैसे कि आपने जिक्र किया था माजी मूवी का, तो ऐसी अच्छी मूवीज़ जो देखना जिसमें हमें कोई पॉजिटिव संदेश मिलता है, इससे भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसके अलावा कोई हॉबीज़ डेवलप करना जिससे कि हमारा वक्त अच्छा गुजरे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वक्त का अगर हम अच्छे ढंग से नियोजन करते हैं तो हमें सब चीज़ के लिए वक्त मिलता है, जैसे काम के लिए भी वक्त मिलता है और आराम के लिए भी वक्त मिलता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो आराम करना, थोड़ा सा वक्त अपनी पसंद की चीज़ों में गंवाना, ये भी बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा रिलैक्सेशन, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिलैक्स होने के लिए कुछ एक्सरसाइज अगर हम कर सकते हैं, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात छूट गई कि व्यसनों से दूर रहना। व्यसनों से दूर रहना बेहद ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कॉफ़ी का अति सेवन भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली कर सकते हैं और अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो अगर संक्षेप में हम समझें कि अगर हमारे आसपास का वातावरण अगर वो पॉजिटिव सकारात्मक हो, हमारे विचार सकारात्मक हो, हम जो
साहित्य पढ़ रहे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं, अगर वो सकारात्मक हो, हमारा हाँ दृष्टिकोण सकारात्मक हो, तो निश्चित तौर से इन सब का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट होगा इफेक्ट और होता हम है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो स्वस्थ सकते हैं। हो। हाँ दर्शकों, जिन मुद्दों की डॉक्टर विद्युत मैडम ने चर्चा की है, तो बहुत कठिन या असंभव जैसी चीज़ नहीं है। हम सब लोग इसे आसानी से अपने जीवन में इसका पालन कर सकते हैं, इसे उतार सकते हैं। मैम, चर्चा के हम अंतिम मोड़ पर हैं, तो जिन कुछ एक मरीजों का आपने बताया कि अगर इस तरह से हम लोग अगर प्रिवेंशन करें, बचाव करें, तो शायद उनको ज़रूरत नहीं हो, पर जिनको ट्रीटमेंट की या उपचार की ज़रूरत होती है, उस विषय में आपकी उन लोगों को क्या सलाह होगी? जी, अगर मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे उपचार अभी उपलब्ध हैं। तो मानसिक बीमारी से बौखला जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मानसिक बीमारी के लक्षण मैंने संक्षिप्त में बताए थे, तो उस तरीके के लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं, आपके घर वालों में या आपके मित्रों में या फिर आपके कलीग्स में काम की जगह पे, तो उस पे उसके लिए डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। और अगर डॉक्टर सोचता है कि इसे दवाइयों की ज़रूरत है, तो उसमें भी मेरे ख्याल में हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारियों के बारे में जितने मिसकंसेप्शंस, जितनी गलत फहमियाँ लोगों में हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उपचार के बारे में लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक बार साइकेट्रिस्ट के पास गए तो बस ज़िंदगी भर ये पीछे लग जाता है, या फिर दवाइयाँ जो है वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं, या ये नशे की दवाइयाँ होती हैं, या फिर ये दवाइयाँ जो है ये इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो किडनी ख़राब करती हैं। तो ये जो धारणाएँ हैं ये सब गलत धारणाएँ हैं। अब कुछ बीमारियाँ ही ऐसी होती हैं जिनमें लंबे दौर तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे आप शारीरिक बीमारियों में भी देखिए कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये जो बीमारियाँ हैं इसमें ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी जी पड़ती हैं। तो कुछ मानसिक बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिसमें लंबे दौर तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मानसिक बीमारी में हमेशा के लिए दवाई लेनी पड़ती है। अभी मेरे कितने सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने 1 साल के बाद दवाइयाँ बंद की हैं और वो अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो दवाइयाँ कभी कभी बेहद ज़रूरी होती हैं, तो वो ले दवाइयाँ एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मानसिक बीमारियों के लिए। इसके अलावा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये भी एक उपचार थेरेपी है। इंजेक्शंस कभी कभी देने पड़ सकते हैं, महीने में एक बार इंजेक्शन, ऐसे कुछ इंजेक्शन रहते हैं कुछ मानसिक बीमारियों में। और इसके अलावा समुपदेशन, काउंसलिंग, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। काउंसलिंग से पेशेंट में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, चिंता रोग, तो चिंता रोग ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से हटने वाली बीमारी है नहीं, पूरी तरह से दुरुस्त होने वाली बीमारी है नहीं। तो इसमें अगर पेशेंट को काउंसलिंग किया जाए, वो अगर अपनी भली भांति अपनी बीमारी को समझ ले और खुद में अगर वो कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस लाए, तो उसे दवाइयों की ज़रूरत आगे चल के नहीं पड़ेगी, वो दवाइयों के बगैर हैंडल करना सीख सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। काउंसलिंग से दवाइयों की मात्रा में भी कमी होती है और आगे चल के दवाइयाँ बंद भी की जा सकती हैं। तो ये कुछ जिसे हम बोलते सकते कि ट्रीटमेंट होती है मानसिक बीमारियों के लिए और जिससे पूर्ण रूप से लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने ये मान लिया है कि शरीर है तो बीमारी होने ही वाली है, तो मन है तो मानसिक बीमारी भी हो ही सकती है। ये अगर हम बात भली बातें समझ लें, तो हम इसके लिए कुछ सकारात्मक, उसके हमारा सकारात्मक कदम होगा उसमें बदलाव लाने में, और एक मानसिक रूप से स्वस्थ समाज निर्माण करने में इसमें हमें मदद हो। कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग जैसे ही ठीक होते हैं, दवाइयों का असर जो है वो 2 से 3 हफ्तों में नज़र आने लगता है। तो जैसे ही लोग ठीक होते हैं तो तुरंत दवाइयाँ बंद कर देते हैं, हमारे ये समझाने के बावजूद कि दवाइयों का कुछ कोर्स होता है, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसके बावजूद लोग जैसे ही उनमें सुधार होता है दवाइयाँ बंद कर देती हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है।
क्योंकि अगर इस तरीके से दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो जो दवाई फिर से पलट के, बीमारी फिर से पलट के होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है सभी पेशेंट से, सभी लोगों से, कि जब तक आपका डॉक्टर, आपकी डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं कि दवाइयाँ बंद करो, तब तक दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। और ये जो गलत फहमी है कि दवाइयों से कुछ नुकसान होता है, वो दिमाग से पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए। दर्शकों, डॉक्टर विद्युत जी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश न केवल मरीजों के लिए बल्कि उनके रिश्तेदारों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी दे रही हैं कि मरीजों के प्रति जो हमारा आउटलुक है, जो हमारा देखने का दृष्टिकोण, उसमें हमें समुचित बदल की ज़रूरत है। हर वर्ष इस दिवस को मनाने के पीछे एक थीम होती है, घोष वाक्य होता है। इस वर्ष का जो घोष वाक्य है वो है डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ, जी यानी मानसिक स्वास्थ्य के आपकी गरिमा। तो हम लोगों का जो नज़रिया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, न केवल मरीज़ के प्रति बल्कि ट्रीटमेंट के प्रति, उसे हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विद्युत जी, इतने अच्छे मार्गदर्शन के बाद आमतौर पर हमारा जो आम दर्शक होता है उसकी दिलचस्पी हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा होती है, और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हमारे जो एक्सपर्ट होता है उसका जो दूसरा पहलू होता है दर्शकों सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आपने बातचीत में जिक्र किया था कि दुनिया में इतनी जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रही है, स्पर्धा चल रही है सक्सेसफुल होने के पीछे, और सक्सेस शब्द अपने आप में बड़ा कठिन है व्याख्या के लिए, डिफाइन करने के लिए। आप सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे, सक्सेसफुल किसे कहेंगे? जी, सक्सेस, सफलता जो है वो हर एक की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि सफलता क्या होती है, तो मेरे ख्याल में जो व्यक्ति अपनी लाइफ में उसके करियर का, उसके निजी परिवार वालों का, उसके सामाजिक दायित्व का, उसके उसका जो उसके बच्चों के प्रति कर्तव्य है, इन सब का जो, और उसके जो हॉबीज़ हैं, इन सब का जो तालमेल अच्छे से बिठाता है, वो मेरे ख्याल में एक सफल व्यक्ति है, सक्सेसफुल पर्सन है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी डॉक्टर विद्युत जी ने कहा है कि सक्सेस में इन्होंने कहीं किसी पैसे, जाति, कलर, क्रीड किसी का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि सभी में एक बैलेंस, समतोल का इन्होंने उल्लेख किया है। दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा डॉक्टर विद्युत जी खांडेवाले के साथ हमारी संपन्न हुई, और जो कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए वो इस तरह से हैं कि एक संतुलित जीवन के लिए जिस तरह हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। कठिनाई ये है कि बहुत बार मानसिक रूप से रुग्ण होते भी न केवल मरीज को बल्कि कई बार आसपास के लोगों को पता नहीं होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण है। डॉक्टर विद्युत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लक्षणों की चर्चा की है, बीमारी की चर्चा की है, और जोर दे के कहा है कि अगर हम कुछ सकारात्मक चीज़ों का अवलंबन करें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर ये बीमारियाँ होती है तो न केवल व्यक्ति को बल्कि रिश्तेदारों को या आसपास के लोगों को मनोरोग चिकित्सक यानी कि उस पे स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाने में किसी तरह की कठिनाई या हिचक नहीं होनी चाहिए, और उनके द्वारा बताए हुए ट्रीटमेंट को इन्होंने पूरी तरह से लेना चाहिए। जिस तरह की अभी नई दवाइयाँ तकनीक उपलब्ध है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ही बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है या नियंत्रित तो किया ही जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए फिर से खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए प्रोडक्टिव यानी उत्पादक सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी प्रतिक्रियाएं, इनका हमेशा से हमें इंतज़ार रहा है। बदलती तकनीक के साथ हम आपसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो आप अपने विचार या अपनी प्रतिक्रियाएं हमें स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर भेज सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर विद्युत जी ने कहा है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, जाते जाते एक शेर के साथ इसे हम संपन्न करें कि हंस उठेगी ज़िंदगी खुद ब खुद, हंस उठेगी ज़िंदगी खुद ब खुद, औरों के गम में एक बार रोकर तो देखिए। तो
सबकी मदद कीजिए, हंसिए, हंसाते रहिए, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और मंगलमय हो, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। अगले हफ्ते आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ में। और डॉक्टर विद्युत जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई के साथ में आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।